वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7 और 8 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है कि तेलंगाना के न्यू सीएम बने हैं कौन रेवांत रेड्डी। इनकी ओथ सेरेमनी होगी लाल बहादुर स्टेडियम में और ये पहले कांग्रेस सीएम बन रहे हैं तेलंगाना के। ठीक है, ओवरऑल सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं वहां के। सेकेंड न्यूज अगर हम देखें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम क्या रहा ये आपको याद रखना है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एग्जामिनर क्या करता है, इनमें से कोई भी एक वर्ड को पकड़ेगा, जैसे ग्लोबल हो गया, या ग्लोबल की जगह चार ऑप्शन में चार अलग अलग वहां पे वर्ड्स होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही वाला क्या है। ठीक है, तो हर एक वर्ड पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। ये रहा थीम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे का। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एविएशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एविएशन सेक्टर से कैसे जो है दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड न्यूज अगर हम देखें, पहली फीमेल मेडिकल ऑफिसर टू बी स्टेशन इन सियाचिन। तो सियाचिन क्यों फेमस है, दुनिया का हाईएस्ट एलिवेशन पे लोकेटेड बैटल फील्ड है। तो यहाँ पे पहली फीमेल मेडिकल ऑफिसर जिनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है वो है कैप्टन गीतिका कौल, याद रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 के चेयरमैन कौन बने हैं, मोहम्मद अल रामसी बने हैं जो कि यूएई से हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। अगर हम बात करें ये वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस इस साल कहाँ पे हुई, दुबई यूएई में हुई, ऑर्गेनाइज की गई बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और एम था टू रिव्यू द ग्लोबल यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसमें ना आपको बहुत चीजें याद नहीं रखनी है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन बने, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, कहाँ पे हुई, इससे ज्यादा ये नहीं पूछते कि क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल था, थीम वगैरह कुछ हो तो ठीक है, अदरवाइज यहां से इतना डेप्थ में क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप डेली मेरे साथ नोट्स बनाते हैं बढ़िया सी आपकी कॉपी बनके तैयार हो जाएगी, जब भी एग्जाम होगा उससे पिछले दिन आप रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स आप पिछले दिन रिवाइज करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है एग्जाम्स में वो आप खुद से देख सकते हैं। जिस भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं और देखें कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको बताना चाहूंगे कि आप चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है, पहली वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कौन बनी है, कंचन देवी बनी है। ठीक है, गीतिका कौल, कंचन देवी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गीतिका कौल है पहली फीमेल मेडिकल ऑफिसर जिनके सियाचिन में पोस्टिंग हुई है, और कंचन देवी है पहली वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है जी, सिक्स पॉइंट अगर हम देखें तो मिजोरम की यंगेस्ट एमएलए कौन बनी है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, बैरिल वेनिंग सांगे बनी है, 32 साल की है, एजवाल साउथ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 ये टाइटल किसे मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है। एट्थ पॉइंट देखें तो इंटरनेशनल चीता डे 2023 का रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कब, 4 दिसंबर को। क्यों? ताकि जागरूकता फैलाई जा सके कि ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो भी हमारे हैं, चीता को कंजर्व करके रखना है ना, इनकी स्पीसीज जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, इस सबके लिए, और इन्हें जो है फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ भी कहा जाता है, सबसे फास्ट भागने वाले एनिमल्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नाइन्थ पॉइंट देखते हैं, फटाफट से मैं पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इनकी ऐसा है नहीं, तो कोशिश है कि फटाफट हम वीडियो अपनी रैप अप करें। नाउ नाइन्थ पॉइंट हमारा है, 4 ऐसे इंडियंस जो कि फोर्ब्स लिस्ट पे मोस्ट पावरफुल वुमेन का जिन्हें टाइटल मिला है 2023 का, कौन कौन है, निर्मला सीतारमन कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, रोशनी नडार मल्होत्रा कौन है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है, सुमा मंडल कौन है, सीईओ ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जितने भी स्टील प्लांट्स हैं सारे इससे इसके अंडर आते हैं, सेल के अंडर, किरण मजूमदार शाह इंडियन एंटरप्रेन्योर है। ठीक है जी, चलिए टेंथ पॉइंट देखते हैं, बट इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करते चलें। टेंथ पॉइंट हमारा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
कहाँ पे हुई है, पहला पॉइंट तो ये आता है। अच्छा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उत्तराखंड में, वहां पे हुई है। इसे ना कई जगह पे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी कहा है। तो ऐसे करके अगर एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा तब तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुई, उत्तराखंड में हुई, देहरादून में हुई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, थीम क्या रहा, पीस टू प्रोस्पेरिटी। ये एक स्टेप है टूवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग उत्तराखंड एज ए न्यू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अच्छा, नई नई कंपनीज आए वहां पे आके इन्वेस्ट करें, वहां पे अगर नया प्लांट लगेगा, वहां के लोगों को जॉब्स मिलेंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी, तो ये सब सारा फंडा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो खींचनी है उत्तराखंड की तरफ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी होता है कंप्लीट। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करते चलें। और आपको बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं आती है मेरी वीडियोस की, उस केस में आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अपने टेलीग्राम अकाउंट का, वहां पे जाकर मुझे ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ, साथ में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम अकाउंट पे। ठीक है जी, चलिए तो आप सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 11th पॉइंट है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 दिसंबर को। क्यों? जो भी लोग शहीद हुए हैं, जो भी सोल्जर शहीद हुए हैं, ठीक है, अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करते हुए आर्म्ड फोर्सेस के जो भी सोल्जर्स हैं, उनके ऑनर में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर आप आर्म्ड फोर्सेस का मतलब नहीं समझते हैं तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया की जो भी मिलिट्री फोर्सेज हैं वो सब आर्म्ड फोर्सेज कहलाती हैं। इसमें इंडियन आर्मी आता है, इंडियन नेवी आता है, इंडियन एयरफोर्स आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आती हैं, है ना। और सुप्रीम कमांडर कौन रहते हैं इनके, तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, मतलब जो भी प्रेसिडेंट होगा वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है जी, चलिए 12th पॉइंट अगर हम देखें, सो वन प्रोविंस वन पॉलिसी। रिसेंटली ये बहुत ट्रेंडिंग पे है कि ये क्या पॉलिसी है। देखिए, पहली चीज तो ये जो वन प्रोविंस वन पॉलिसी है, अनाउंसमेंट इसकी की गई है, इसकी प्लानिंग की गई है चाइना के द्वारा। ये पॉलिसी रिलेटेड है टू हैंडल फाइनेंशियल रिस्क, पैसों के केस में जो भी रिस्क को हैंडल करना है उसके लिए ये पॉलिसी आई है। इसमें क्या होगा, हर एक प्रोविंस अपनी एक पॉलिसी लेकर आएगी और खुद से फाइनेंशियल रिस्क जो भी है उनको हैंडल करेगी। ठीक है, पूरी कंट्री के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे होता है वैसा नहीं होगा, मतलब वो चीज ऑब्वियसली है, बट हर एक प्रोविंस को अपने फाइनेंशियल रिस्क खुद से हैंडल करना है तो उसके लिए खुद से पॉलिसी लेकर आनी है। ठीक है, सो ईच प्रोविंस देयर ओन फाइनेंशियल रिस्क हैंडलिंग पॉलिसी, वही चीज यहां पर लिखी है। 13th पॉइंट आता है एनसीआरबी फंक्शंस अंडर। एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये फंक्शन करता है किसके अंडर, अच्छा ये पॉइंट मैं जैसे करंट अफेयर्स लिखती हूँ डिफरेंट वेबसाइट से, तो एक जगह पे मुझे मिला और मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप बेसिक एज अ स्टैटिक जीके भी समझ सकते हैं। होम मिनिस्ट्री के अंडर आपका आता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। फिर कभी इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी हमें एक पेज और पढ़ना है करंट अफेयर्स का। और जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मैम वीडियो आप 10 मिनट से कम बनाएं, कोशिश कर रही हूँ फटाफट से जो है वीडियो रैपअप कर सकूं, बट पॉइंट्स हम कम नहीं कर सकते ना, वो तो उतने रखने ही पड़ेंगे जितने बन रहे हैं एक दिन में। सो 14th पॉइंट है लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ड इन इंडिया। सर्वे वेसल सबसे बड़ा जो कि इंडिया में खुद से बना है, क्या नाम है, INS इंडियन नेवरशिप संध्याक है। ये GRSE के द्वारा बनाया गया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा। फुल फॉर्म स्किप भी कर सकते हैं। नाउ 15th पॉइंट है आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF। कहाँ पे हुई है, मलेशिया में हुई है। आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 10 नेशंस का ये एक ग्रुप है। ठीक है, क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो नहीं इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो वही आसियान इंडिया, क्योंकि देखिए अगर इंडिया मेंबर होता ना तो आसियान इंडिया नहीं लिखा होता, तब आसियान नहीं लिखा होता हम ऑटोमेटिकली समझते, बट क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है इसलिए अलग से यहां पे कंट्री का नाम लिखा है। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम मलेशिया में हुई है। क्या कैपिटल है मलेशिया की, कुआलालंपुर। आइलैंड नेशन है, एशिया हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसी के अंडर आता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स। ठीक है, चलिए आपको मैप वाइज भी पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया कहाँ पे है, मलेशिया कहाँ पे है, तभी कहती हूँ कि जब भी पढ़ने बैठें या कुछ भी करें सामने आपका मैप लगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला पेज भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
जैसे करंट अफेयर्स की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो थ्रू पोस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं डेफिनेटली मुझे फॉलो करें, उससे क्या होगा आपके रिविजन में हेल्प हो जाएगी। औरों की पोस्ट आप देख ही रहे होते हैं फ्रेंड्स की, तो वहां पर करंट अफेयर्स की पोस्ट भी आ जाए तो आपके लिए थोड़ा सा रिविजन हो सकता है ऑनलाइन। ठीक है, अब कैसे फॉलो करेंगे तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 18th पॉइंट है, पहला सेशन ऑफ कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी प्रेसिडेंटशिप किसने संभाली? हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने संभाली। यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, मॉडर्न वॉरफेयर, ये इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, 19th पॉइंट है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में बट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में रोड स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या जो रोड्स का जो स्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में, कितने अमाउंट का? $175 मिलियन का। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एशियन है ना मतलब रीजनल लेवल पे एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या रीजनल डेवलपमेंट आप कहें, एक क्षेत्रीय एशिया में डेवलपमेंट करनी है उस पर फोकस करती है। 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई है, फिलीपींस मनीला में इसके हेडक्वार्टर्स है। फिलीपींस कहाँ पे है आपको देखना होगा, है ना, कौन से कॉन्टिनेंट में? ऑब्वियसली एशिया में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है तो एशिया में ही होगा, है ना। ये सब चीजें आप देखें कहाँ पे लोकेटेड है आपको ये भी पता होना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो सीधा एक नंबर कटता है। ठीक है, 20वां पॉइंट अगर हम देखें तो बीबीसी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर समीर शाह। क्यों हम पढ़ें बीबीसी? ये तो ब्रिटेन का अपना है, पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये जो डॉक्टर समीर शाह है ये इंडिया बॉर्न मीडिया एग्जीक्यूटिव है, इंडिया में इनका बर्थ हुआ है। इन्हें जो है एक अवार्ड भी मिल चुका है, एक टाइटल भी मिल चुका है विच इज सीबीई। अच्छा, सीबीई क्या है? कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये अवार्ड इन्हें मिल चुका है। क्वीन एलिजाबेथ टू ने दिया था 2019 में फॉर द सर्विसेज टू टीवी एंड हेरिटेज। ठीक है, अभी बीबीसी के नए चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं। बीबीसी की फुल फॉर्म देखें तो देखिए पहली चीज, और कुछ ना पता हो, पता हो ये पता होता है कि अच्छा एक न्यूज चैनल है ना, तो वैसे ही समझे आप, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। फुल फॉर्म देख लें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, हेडक्वार्टर्स है इसके लंदन में। चलिए 21st पॉइंट अगर हम देखें, 59th फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार 2023 का कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। 22वां पॉइंट देखिए, नए भारत का सामवेद, ये एक बुक का नाम है। ठीक है ना, नए भारत का सामवेद ये एक बुक का नाम है, बुक लॉन्च की गई है हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के रामनाथ कोविंद उनके द्वारा। अच्छा, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है तो करंटली प्रेसिडेंट कौन है, ये चीज हमने आज की वीडियो में पढ़ी भी है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी आपको पता होगा और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अच्छा ठीक है, वहां से चलता है पता कि आप लोग क्वेश्चन सुनते भी हैं या वैसे ही पॉइंट्स देखते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में दैट हु इज करंटली सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, अच्छा ये बुक न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई, रामनाथ कोविंद हमारे 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इस बुक में है कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ पीएम मोदी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो भी स्पीचेस दी हैं उनकी सारी कंपाइलेशन है नए भारत का सामवेद में। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट क्या है? माउंट मेरापी। माउंट मेरापी में रिसेंटली इरप्शन हुई है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुई है। ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। ठीक है, क्या इसकी कैपिटल है? तो देखिए रिसेंटली ना, वैसे तो जकार्ता है लेकिन हम ब्रूनी में ट्रांसफर कर रहे थे, हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, अब हुई है नहीं हुई है ये तो हमने न्यूज नहीं देखी बट हमने ये देखा कि वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने ना। एग्जैक्टली आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट बर्ना या कुछ ऐसा नाम है उसका, है ना, तो आप एक बार देख सकते हैं कहाँ को शिफ्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल जकार्ता है। ठीक है, यही चीज है कि लोकेटेड है इंडोनेशिया में, सुमात्रा आइलैंड पे है माउंट मेरापी। इसमें 20-21 लोगों की डेथ भी हुई है जो इस पे माउंटेनियरिंग कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।